जयपुर में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सोडाला एलिवेटेड रोड पर सोडाला चौराहे के पास करीब 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही लग्जरी कार ने पैदल युवक को बुरी तरह रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 25 वर्षीय मृतक माडाराम पाली के बिजोवा स्थित रिबारिया का बास का रहने वाला था और जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आया था। हादसा इतना भीषण था कि युवक कार में फंस गया और करीब 50 फीट तक घिसटता चला गया। इसे उसका एक पैर भी कटकर अलग हो गया। फिर वह उछलकर लगभग 70 फीट दूर एक मकान के शटर से टकराया और वही छत पर जा गिरा। कार इतनी तेजी से भाग रही थी कि एलिवेटेड रोड के किनारे लगा बिजली का मजबूत पोल भी टूटकर 40 फीट नीचे जा गिरा। कार एलिवेटेड की दीवार से रगड़ती हुई चली गई, जिससे कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके एयरबैग खुल गए। इससे कार चला रही नेहा सोनिक और साथ बैठी प्रज्ञा अग्रवाल बच गई। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास तैनात पुलिसकर्मी दौड़कर फ्लाईओवर पहुंचे, जहां से नेहा को हिरासत में ले लिया गया। नेहा पर धारा 304A यानी लापरवाही पूर्वक हादसा में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। नेहा चेतक मार्ग मोती डूंगरी की रहने वाली है और प्रज्ञा सी स्कीम दुर्गादास मार्ग पर रहती है। हादसे में जान गंवाने वाला माडाराम चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसे पढ़ाने के लिए तीनों बड़े भाइयों ने पाली में देवासियों का बास स्थित अपना खेत तक बेच दिया था। 12वीं तक पढ़ने के बाद जब कांस्टेबल भर्ती की जगह निकली तो मां ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे को जोधपुर में कोचिंग करवाई। शव लेने आए माडाराम के भाई प्रकाश ने बताया कि आते समय वह हमसे कहकर आया था कि जयपुर में हवा में भी सड़क बन चुकी है, शायद इसी सड़क को देखने के लिए वह बस से उतर गया। प्रकाश ने बताया कि चार भाइयों में सबसे बड़ा भाई थानाराम गांव में ही भेड़ बकरियां चराता है और दूसरे नंबर पर वो खुद हैं और मुंबई में एक होटल में काम करते हैं। तीसरे नंबर का भाई पीराराम गांव में मजदूरी करता है। पिता मोतीलाल बुजुर्ग हैं और घर पर ही रहते हैं। भाई ने बताया कि उसे इसी आस से पढ़ा रहे थे कि एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लगेगी और सबके अच्छे दिन आ जाएंगे।